आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुष्प का अंडाशय निषेचन के बाद रिक्त स्थान हो जाता है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि जो पुष्प का अंडाशय होता है या निषेचन के बाद क्या हो जाता है। तो दोस्तों, जो पुष्प होते हैं, ठीक है, इसके मादा जननांग जो होते हैं, यह क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। और इसके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है, और वर्तिका और अंडाशय, ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यह तीन भाग होते हैं जायांग के। तो जो अंडाशय होता है, इसमें क्या होता है? इसमें निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, ठीक है, नर तथा मादा युग्मक का संलयन जो है, यह कहाँ पर होता है? अंडाशय में होता है। और इसके पश्चात, अर्थात निषेचन के पश्चात, जो अंडाशय होता है, ठीक है, यह फल में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा कि पुष्प का अंडाशय निषेचन के बाद फल में परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।